टिहरी जिले में हाईकोर्ट के निर्देश पर मोबाइल कोर्ट यूनिट वैन का संचालन किया जा रहा है, जिसकी सुविधा से जरूरतमंद गवाह को बीमारी या अन्य किसी कारण के चलते कोर्ट नहीं आने पर उसके बयान उसी स्थान पर दर्ज किए जा सकते हैं। इसके लिए गवाह द्वारा कोर्ट को आवेदन पत्र देना पड़ेगा और जिला जज की अनुमति के बाद मोबाइल कोर्ट यूनिट वैन के जरिए उसके बयान दर्ज किए जा सकेंगे। सिविल जज सचिव अशोक कुमार का कहना है कि अभी तक मोबाइल कोर्ट यूनियन वैन से दो गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और दूरस्थ क्षेत्रों में बीमारी, विकलांग और अन्य किसी कारण के चलते जो गवाह कोर्ट नहीं आ सकते हैं, उनके लिए ये एक अच्छी सुविधा है। उनको माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस जनपद टिहरी गढ़वाल में उपलब्ध कराया गया है और अगस्त महीने से ये व्यवस्था शुरू की गई है और टिहरी गढ़वाल जिले में अभी तक एक दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, प्रार्थना पत्र आए हैं जिनमें ये मोबाइल वैन भेजी गई है और हम इसका लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस मोबाइल कोर्ट यूनिट वैन की यह विशेषता है कि कोई भी ज़रूरतमंद गवाह जो किसी अक्षमता के कारण, बीमारी के कारण, अस्वस्थता के कारण, प्रेग्नेंट होने के कारण या हैंडीकैप होने के कारण या कोई बालक है या कोई अन्य कोई विशेष कारण है, डर है, भय है या आने जाने की कोई विशेष समस्या है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र देकर इस मोबाइल कोर्ट यूनिट वैन को अपने घर पर मंगवा सकते हैं और हमारे माने जिला जज साहब की ओर से निर्देश प्राप्त होने पर, आदेश दिए जाने पर यह मोबाइल कोर्ट यूनिट वैन गवाह के घर जाएगी और उसका बयान दर्ज करेगी। इस गाड़ी में हमारे वाईफाई और जो इंटरनेट कनेक्शन है, डिवाइस है, लैपटॉप है, टीवी है, स्क्रीन है, व्हीलचेयर है, वो सब फैसिलिटीज़ में अवेलेबल है और हमारे रिमोट जो कोऑर्डिनेटर हैं वो डीएलएसए सचिव भी हो सकते हैं या माननीय न्यायालय की ओर से नियुक्त कोई भी रिमोट जो कोऑर्डिनेटर हैं वो माननीय न्यायालय के जो वीसी लिंक है, संबंधित माननीय न्यायालय के वीसी लिंक से क्लिक उसको करके संयोजित करके इंटरनेट के माध्यम से उस संबंधित आवश्यक गवाह की गवाही को कराया जाएगा। आवाज इंडिया के लिए टिहरी से बलवंत रावत की रिपोर्ट। जगन की हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।